रोक लेना 2 मिनट में। हथकड़ी छुपा लो। एक मिनट भैया, बजट बना लूँ मैं। सर एक खुलासा हुआ, किस तरह खुलासा हुआ? बरेली पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो कि बाहर से लड़कियों को लाता था और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराता था। इस क्रम में पूरा घटनाक्रम ऐसे रहा है कि एक एनजीओ है जो कि बॉम्बे में ऑपरेट करता है, जो कि इसी तरह की ट्रैफिक्ड लड़कियों की मदद करता है, उनको बरामद करता है और उनको रिहैबिलिटेट कराता है। वहाँ के एनजीओ वालों ने हम लोगों से संपर्क किया कि एक लड़की जो कि बांग्लादेश से, उसको ट्रैफिक करके यहाँ लाया गया है और उसकी लोकेशन में बरेली में है। तो हम लोगों ने टीम बनाकर यहाँ पर उसकी खोज शुरू की और लड़की को बरामद किया। उसके बाद लड़की को CWC के सामने प्रोड्यूस किया गया, उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद लड़की से जब बातचीत करने की गई तो उसमें लड़की ने कई तरह के खुलासे किए और उसने ये बताया कि यहाँ पर एक गैंग चलता है जो कि इस तरह से बाहर से आई हुई लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन कराता है और उनका हर तरह से शोषण करता है। उसके बयानों के आधार पर, उसकी सूचना के आधार पर हम लोगों ने यहाँ दबिश दी और जो 2 लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। एक महिला एक पुरुष है, दोनों दंपत्ति हैं। उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उनसे कई लोगों का नाम हम लोगों को सामने आया कि जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं। एक महिला है जो कि सुभाष नगर एरिया की रहने वाली है, गीता, जो कि इस तरह के पूरे मास्टर माइंड है इस चीज़ की। वो हमारे इस मुकदमे में वांटेड है और उसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा गिरोह था जो यहाँ काम कर रहा है और इस गिरोह में भी कई कड़ियाँ हैं, कई लोग ऐसे लोग हैं जो अभी फरार हैं, जिसको हम लोग अपने मुकदमे में जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे और इस चीज़ को अपने पूरे अंजाम तक हम इसको ले जाएंगे। दबिश के दौरान कोई लड़कियाँ भी पकड़ी गई साथ में? देखिए, ये लोग बड़े सफाई से काम करते हैं और जैसे ही इनको इस चीज़ की भनक लगी तो सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए और हम लोगों ने जो अजय नाम का अभियुक्त पकड़ा है, इसके पास से भी कई सारे मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, उसमें कई लोगों के नंबर बरामद हुए हैं, कई सारी फ़ोटोज़ वगैरह बरामद हुई हैं ऐसी लड़कियों की जिससे वो इस तरह का धंधा कराते थे। तो कई सारे क्लूज हमारे पास हैं, कई सारे लीड्स हमारे पास हैं, उसके आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही पूरे गैंग का हम लोग भंडाफोड़ करेंगे। ठीक है।